Hi, I'm Vidhi Pandya. I'm Vijendra Kumaria, and you're watching Telefilms. On Telefilms. You're watching us on Telefilms. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा इस स्टोरी पे, हमारे परफॉर्मेंस पे, यू नो, सारी चीज़ों पे. एंड बहुत टाइम के बाद ऑब्वियसली विजय के साथ वापस काम कर रही हूँ, सो आई रियली, यू नो, आई होप कि जितने कंफर्टेबल और जितना मज़ा हमें साथ काम करने में आ रहा है, उतना ऑडियंस को भी हमें देखने में आए. सो या सेम, यह बहुत एक्साइटेड हैं और डिफरेंट शो है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो मज़ा आ रहा है करने में. हम पिछले एक महीने से शूट कर रहे हैं और अब टाइम आ रहा है कि वो टेलीकास्ट शुरू होने वाला है. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. बहुत सारी चीज़ें की हैं, लुक पे काम किया है, कैरेक्टर पे काम किया है, सब नहीं, सब एक्टर्स ने. सो इट्स द टाइम दैट वी आर वेटिंग फॉर, वो आने वाला है. तो काउंट डाउन बिगिन हो चुका है. 7 फेब को हमारा 9 बजे शो शुरू हो जाएगा सोनी पे. तो होपिंग कि सबको बहुत पसंद आएगा. लाइक हम अभी कब से वही कह रहे हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं. लाइक वी सेड कि हम बहुत, यू नो, इट्स, वी आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल. एक जो केमिस्ट्री जो इन्होंने कहा था पहले कि कुछ 2-3 महीने लग जाते हैं, कभी बनती है कभी नहीं बनती है, तो वहाँ पे वो स्ट्रेस नहीं है हमें. हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं. सामने वाला, यू नो, इट्स अ वेरी अनसेट थिंग कि समझेगा. इफ ही वॉन्ट सम चेंजेस, ही कैन, यू नो, लेट, यू नो, टेल मी टू डू इट. ही डजन हैव टू इवन आस्क मी टू डू इट. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कम्फर्ट, यू नो, एंड वी आर वेरी हैप्पी. एंड या वी जस्ट होप कि ये केमिस्ट्री जल के स्क्रीन पे एंड लोगों को अच्छी लगे. या सेम चीज़ जो इन्होंने बोली, वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा. और काम पे डेफिनेटली उसका इफेक्ट आता है. अगर आप फ्रेंडली हैं अपने को एक्टर्स के साथ में, तो ये एक प्लस पॉइंट है. हाँ, डिफरेंट है. और जब मुझे अप्रोच किया गया था तो मुझे नरेशन दिया, समझाया गया, शशि मैम से भी मेरी बात हुई. सो आई अंडरस्टूड द कैरेक्टर रियली वेल. मैंने टाइम भी लिया कि मुझे इसे करना है, नहीं करना है, सोचा समझा. उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें अपने लुक पे हो, या फिर अपने डायलॉग डिलीवरी पे हो, या फिर प्रेजेंटेशन पे हो, उन सब पे काम किया. तो इट्स फन बिकॉज आपको हर शो में अगर कुछ नया करने को मिलता है तो आप एज एन एक्टर भी वैसे ही फ्रेश रहते हैं. नहीं तो वही मोनोटोनस चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है. मुझे हमेशा जो थोड़ा सा अलग होता है वो चीज़ अट्रैक्ट करती है. एज एन एक्टर मैं आई एम अ वेरी हंग्री एक्टर अभी भी, इतने सालों के बाद में. एंड आई लाइक टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग डिफरेंट. तो ये चैलेंजिंग है, डिफरेंट है, तो ऐसी चीज़ों को मैं सबसे पहले लपक के पकड़ लेता हूँ. तो जब मुझे ये ऑफर हुआ, और अगर बाकी बात की जाए, एज एन एक्टर आई एम अ वेरी सिक्योर्ड एक्टर. मैं ये नहीं सोचता कि नहीं ऐसा हो गया तो स्टीरियोटाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा. आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क एंड दिस इज गुड वर्क, सो आई एम गोइंग टू डू दिस. यही आया मन में कि यार, मोर देन सौम्यास कैरेक्टर, आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, यू नो, मेकर्स आर कमिंग अप विद सच अ वंडरफुल स्टोरी, विच आर सच अ वंडरफुल मैसेज, अ कंटेंट दैट कैन, यू नो, ब्रिंग अ चेंज इन in our lives, in our society. So I was very happy and excited to be a part of that story or that subject, jo actually itna strong hai. It's not about just making a love story or a family drama. It has more to it. Yeah, I mean, I as an actor, I as Soumya, I feel very happy to be a part of this process and story. And lastly, what do you want to say to your fans out there? Please, hamara show dekhiye. Hame bahut sara pyar dijiye. बहुत दुगना तिगना 100 गुना ज़्यादा प्यार दीजिए. हाँ, शो को हिट बनाइए, देखिए शो. मुँह से छल किए जाए. 7 फेब ऑन सोनी, मंडे टू फ्राइडे, 9 o'clock. 9 o'clock.